रायगढ़ जिले के पूंजी पथरा थाना अंतर्गत ग्राम सराई पाली में स्थित नव दुर्गा प्लांट में एक गार्ड की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। यहां देर रात ड्यूटी में तैनात एक गार्ड की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने प्लांट प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन की ओर से सुबह घटना की जानकारी दी गई, जो कि पूरी तरह से अमानवीय और गलत है। परिजनों ने प्लांट प्रबंधन पर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि इस हादसे को लेकर संदेह है, इसलिए वो इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, वो नॉर्मल था, वो लड़का रात में ड्यूटी पे गया था, बी शिफ्ट में था, और ड्यूटी से उठ के पेशाब करने गया, जहां वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने देखा तो उसको यहां जिला अस्पताल हम लोग ले आए हैं। यहां पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। डॉक्टर का यह अनुमान था कि उसको हार्ट अटैक आया है। प्लांट है, पूंजी पथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित है, तो वहाँ पर एक गार्ड ड्यूटी कर रहा था, कमनार क्षेत्र का रहने वाला था, घनश्याम निशा। रात में 10:30 बजे गार्ड ड्यूटी करने के दौरान उनका वॉशरूम गया था, फिर वहीं पर वो बेहोश गिर गया। उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज किए थे, जहां पर उसकी उल्टी हुई और इलाज के दौरान मौत होना, ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है। अभी मामले में मर्ग पंजीबद्ध करके डेड बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।